इज द इन्फ्लुएंसर सिलेक्टेड एंड वो इन्फ्लुएंसर का क्या सॉर्ट ऑफ एक इन्फ्लुएंस रहता है ओवर द ऑडियंस. हमारा काफी एक्स्ट्रा मेहनत जाता है जस्ट टू टेल देम अबाउट हाउ दिस होल गेमिंग सिस्टम वर्क्स. इवन इफ वी आर एबल टू कन्विंस अ ब्रांड दैट दे शुड बी पुटिंग देयर टाइम एंड मनी इनटू गेमिंग, भाई आप याद रखना कि दिस इज द मेजर ऑडियंस बेस दैट यू आर गोइंग टू बी मार्केटिंग टू. The creator has been very, very genuine with the audience, has been very candid with the audience. Gaming एक ऐसा domain है जो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग चलता है, जहाँ पे YouTube is your main primary platform. आज हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं उन्होंने ना जाने कितने हीरो को तराशा और उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया. इनकी टीम की मेहनत, स्ट्रेटजी और मार्केट को देखने का अलग नजरिया इन्हें विश्वास दिलाता है मार्केट में सबसे क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी होने का. तो चलिए आपको मिलवाते हैं टीम अल्फा जीगस्ते. बहुत बहुत स्वागत है रोहित आपका हमारे इस शो पे. थैंक यू सो मच राहुल, इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. रोहित, सबसे पहला सवाल अल्फा जीगस की प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं. अल्फा जीगस क्या करती है? ओके तो सबसे पहले तो ये जो नाम ही है अल्फा जीगस, ये काफी लोगों को बोलने में ही दिक्कत हो जाती है. वो जीगस का पता नहीं क्या क्या कॉम्बिनेशन बन जाता है. तो आई एम रियली हैप्पी कि आपको यू नो लाइक आपका जीगस का प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट था, एकदम बैंग ऑन था. सो अल्फा जीगस का हमारा मेन थॉट प्रोसेस है कि वी वॉन्टेड टू बी एक्सपर्ट्स इन द गेमिंग डोमेन. And our expertise was majorly के अगर कोई भी ब्रांड है, भले ही वो गेमिंग ब्रांड हो, नॉन गेमिंग ब्रांड हो, कोई सा भी ब्रांड हो, अगर उनको गेमिंग स्पेस में एंटर होना है, सो वी वॉन्टेड टू बी दैट वन स्टॉप शॉप फॉर देम कि भाई वी हैव अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री. वेदर आप टैलेंट्स की बात करो, वेदर आप यू नो क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसकी बात करो, वेदर आप ऑडियंस कैसे बिहेव करती है उसकी बात करो. सो सिंस वी हैव दैट नॉलेज, नाउ वी बेसिकली हैंडल प्रोडक्शन फॉर आर क्लाइंट्स. वी हैंडल यू नो सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड हम लोग उनके लिए लाइक ऐसे इनोवेटिव मार्केटिंग सोल्यूशंस बनाते हैं जो उनको गेमिंग इकोसिस्टम में मार्केट करने में एक यू नो सॉर्ट ऑफ एक टॉप प्रायोरिटी एंड टॉप सपोर्ट मिले फिर. सो दैट्स एसेंशियली व्हाट वी डू एट अल्फा जीगस. रोहित, ब्रांड बिल्डिंग के टाइम पे वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मैक्सिमम आउटपुट देते हैं, जहां से आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है आपको? इसमें ना मेन चीज क्या है कि जैसे मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन मोस्ट अदर डोमेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब टाइप के प्लेटफॉर्म को हाईएस्ट प्रायोरिटी देती है. बट गेमिंग एक ऐसा डोमेन है जो थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग चलता है, जहाँ पे यूट्यूब is your main primary platform. इसका reason ये है कि gaming industry में live streaming एक बहुत important चीज़ होती है. Like बहुत सारे content creators, बहुत सारे brands, हर किसी को है ना YouTube पर live streaming करना रहता है and they want to make like long form content over there. So even for us, YouTube becomes a primary platform. So that basically means that video content becomes our primary goal. And then uske beyond fir you know aapka Instagram as a platform ho jata hai. We also do a lot of on ground activities. Kaise koi brand ka product launch karna hai to uska launch event kiya humne. Agar koi brand ko gaming audience ke sath kuch ek unique experience create karna hai to wo hum log online bhi kar sakte hai, offline bhi kar sakte hai. So ha, like all in all, like YouTube becomes our primary, and then all these things sort of become secondary for us. किसी भी क्लाइंट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तैयार करना कितना चैलेंजिंग होता है, और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते टाइम पे आप क्या ऐसी चीजें हैं जो नोट करते हो और देखते हो उस क्लाइंट के लिए, वो आप से जानना चाहेंगे? हम हमारे क्लाइंट्स को जब गेमिंग सेक्टर के बारे में समझाते या बताते हैं तो सबसे पहला रिजर्वेशन तो यही आ जाता है कि भाई या तो आधे क्लाइंट्स ने गेमिंग कभी ही एक्सप्लोर नहीं किया है या गेमिंग कभी कंसिडर ही नहीं किया है. सो बिकॉज ऑफ दैट लाइक हमारा काफी एक्स्ट्रा मेहनत जाता है जस्ट टू टेल देम अबाउट हाउ दिस होल गेमिंग सिस्टम वर्क्स, हाउ द ऑडियंस इन दिस वर्क्स, एंड व्हाई
अब ब्रांड शुड बी इन्वेस्टिंग इन दिस स्पेस। सो उसके अंदर ही हमारा समझो लाइक 70% टाइम उधर ही चला जाता है, एफर्ट भी जाता है। एंड इवन इफ वी आर एबल टू कन्विंस अ ब्रांड दैट दे शुड बी पुटिंग देयर टाइम एंड मनी इनटू गिविंग, तो उसके बाद भी ब्रांड्स हमें काफी लिमिटेड बजट देते हैं एट फर्स्ट, के बिकॉज इवन दे वॉन्ट टू टेस्ट आउट कि भाई कैसा, आई नो हम जो भी ट्राई आउट कर रहे हैं गेमिंग में उसका रिजल्ट क्या आएगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, वट एवर। नाउ गुड थिंग इज दैट वी हैव हैड लाइक प्रिटी गुड कन्वर्जन्स इन टर्म्स ऑफ, हमने यू नो लाइक एटलीस्ट 7 out of 10 ब्रांड्स दैट वी इंट्रोड्यूस टू द गेमिंग सिस्टम डिसाइड टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। लाइक यू नो दे वॉन्ट टू डू मोर कैंपेन्स, दे वॉन्ट टू डू लाइक मोर एक्टिविटीज इन द गेमिंग स्पेस। सो अगर मैं स्ट्रैटेजीज और एफर्ट्स की बात करूँ तो जो स्टार्टिंग के जो 2-3 कैंपेन होते हैं हर ब्रांड के साथ, उसमें सबसे ज्यादा एफर्ट्स लग जाते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजीज लगती है। बट देन ग्रेजुअली एक बार आपके क्लाइंट को भी समझ आ गया कि ये इकोसिस्टम में क्या पॉसिबल है एंड क्या रिजल्ट्स आते हैं, देन वो एफर्ट धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग जाता है, एंड देन इनोवेशन और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन और ज्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। किसी भी प्लेयर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग आपको कैसे बेनिफिट देती है? देखो दिस इज बेसिकली अ डोमिनो इफेक्ट फॉर अस, क्योंकि अगर कोई प्लेयर ग्रो करता है, लाइक अगर कोई प्लेयर की मार्केटिंग होती है और वो प्लेयर अगर नंबर्स में ग्रो करता है, क्वालिटी में ग्रो करता है, तो ऑटोमेटिकली मोर ब्रांड्स वॉन्ट टू वर्क विद दैट प्लेयर और दैट क्रिएटर। तो इसमें अगर इफ अ ब्रांड वॉन्ट्स टू वर्क विद दैट क्रिएटर, हमारे लिए एक मीडियम बन जाता है। लाइक आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर दो तो समझो, अगर आपको कोई एड फिल्म शूट करना है, ठीक है, अब आप रेगुलर सिनेरियो में एड शूट करें, किसी एक्टर को लोगे, सेलिब्रिटी को लोगे, किसी क्रिकेटर को लोगे, वट एवर। बट अगर गेमिंग में आपको समझो कोई एड शूट करना है, आप प्रेफरेबली एक पॉपुलर गेमर को लोगे, राइट। अभी अगर जो भी एक गेमर को हम लेना चाहते हैं एड शूट के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी जितनी अच्छी होगी, जितनी बेटर होगी, उतना ऑटोमेटिकली ब्रांड के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो ब्रांड के लिए कन्वर्जन ज्यादा देगा, राइट। सो फॉर दैट रीजन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी क्रिएटर के साथ हम काम कर रहे हैं, वो क्रिएटर का हम नंबर्स ग्रो करवा रहे हैं, वो क्रिएटर का प्रोडक्शन वैल्यू इंक्रीज करा रहे हैं, वो क्रिएटर का एक फेस वैल्यू सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज वो जितना इम्प्रूव करेंगे उतना हम ब्रांड को बेटर फेसेस दे पाएंगे उनके कंटेंट और उनके सॉल्यूशंस के लिए। अच्छा रोहित, जैसे आपने बताया कि गेमर की जो ऑडियंस है, गेमर को अगर आप कहीं ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं तो उसकी ऑडियंस कितना रोल प्ले करती है कि भाई किस कंटेंट क्रिएटर के साथ कौन सा गेमर बिल्कुल फिट बैठेगा, क्योंकि इसकी ऑडियंस बिल्कुल इनके मतलब इनकी क्लाइंट है। एक तो एक कॉमन चीज ये है कि गेमिंग ऑडियंस इन जनरल इज अ यंगर ऑडियंस, राइट। लाइक आपकी ऑडियंस हो जाती है ऑल द वे फ्रॉम अ 10-year-old टिल लाइक प्रोबेबली अ 25-27-year-old, इतना लाइक एवरेज बैंड रहता है, जहाँ पे मेजोरिटी आपका 18-24 वाला ही बैंड बन जाता है। सो एक तो हर ब्रांड को हम यही पहले बताते हैं कि भाई आप याद रखना कि दिस इज द मेजर ऑडियंस बेस दैट यू आर गोइंग टू बी मार्केटिंग टू, सो लेट्स एंश्योर दैट आपका जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो ये पर्टिकुलर एज बैंड को हम प्रमोट करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चंस हमारे व्यूवर्स के लिए, जो आपके लेबल के साथ काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो जानना है आपसे। ओके सो मेन क्वालिटी जो मैं पहले भी बताया था हमारे लिए होती है कि आप कितने एक्सपेरिमेंटल हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आज के दिन आपका कितना व्यूअरशिप है, आज के दिन आपका लाइक सब्सक्राइबर काउंट क्या है, वो सब से हमें नहीं फर्क पड़ रहा है। जो मुझे फर्क पड़ रहा है इज नंबर 1, भले ही आपके 50 व्यूअर्स हो, बट वो 50 व्यूअर्स अगर आपको दिल से चाह रहे हो, अगर आपको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपके कंटेंट को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, एंड एवरी मंथ और आपका वो 50 से 55 हो रहा है, 60 हो रहा है, 65 हो रहा है, 70 हो रहा है, लाइक एक ग्रोथ हो रहा है, तो
then we see that as a very good value to us, and that is something that even we feel के हम फिर भले ही हमारे लिए हुआ या ब्रांड्स के लिए हुआ, हम उसको आगे पुश कर सकते हैं. सो माय ओनली सॉर्ट ऑफ अ स्टेटमेंट टू एनीवन हु वांट टू ज्वाइन अल्फा सीगर्स इज फोकस ऑन योर कंटेंट, बी एक्सपेरिमेंटल एंड शोकेस द फैक्ट दैट द पीपल हु लव यू, इवन इफ इट्स अ लिमिटेड नंबर, दे रियली लव यू फॉर हु यू आर एंड योर ग्रोथ इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग अप. So we are not expecting you to be a, 1 million subscriber base and overnight up 200K increase करो या नॉट. Just ये चीजें follow करो and we'll be knocking at your door. रोहित, कोई भी कंपनी अल्फा जिगर्स की क्लाइंट क्यों बनना चाहेगी? Because हम लोग internally इतना strong quality assurance रखते हैं, whether it's with the creators that we work with, whether it's the sort of brands we pick up or campaigns we pick up. हमारा एक श्योरिटी रहता है टू एवरी क्लाइंट दैट भले ही आप हमारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करो या सिर्फ हमारे साथ काम करो विदाउट द इन्फ्लुएंसर्स, हम लोग इतना हैंड पिक करते हैं हर चीज को कि आप यू कैन जस्ट सिट बैक एंड नो दैट यू आर गेटिंग अ क्वालिटी सर्विस ओवर योर. सो अब जब भी हम ब्रांड को भी अगर अप्रोच करते हैं या कोई ऑप्शन देते हैं, हम हमारे ब्रांड को ऐसे 500 क्रिएटर का लिस्ट नहीं दे रहे और बोल रहे हैं कि भाई इसमें से आप चूज करके बता दो आपको कौन चाहिए. लाइक हम उनका रिक्वायरमेंट पूरा लेते हैं और हमारे नेम के पीछे ऐसा बैकिंग लग गया है अभी कि अगर अल्फा सीगर्स के एंड से कोई नाम आ रहा है या कोई आउटपुट आ रहा है तो वो क्वालिटी अश्योर्ड आउटपुट आ रहा है. भले ही सिर्फ 5 ऑप्शन हो, 500 नहीं हो, फिर भी वो 5 आपके ब्रांड के हिसाब से एकदम रेलिवेंट रहेंगे एंड वी विल एंश्योर दैट आपके ब्रांड को एकदम प्रॉपर क्वालिटी आउटपुट मिल रहा है एंड ऑफ द डे. सो दैट इज समथिंग दैट हैज बीन वर्किंग इन आर फेवर सिंस द पास्ट 1 ईयर. वैसा ही रेप्यूटेशन हमने बना दिया है अभी एंड बस वही रीजन से अ ब्रांड वुड वॉन्ट टू कम एंड वर्क विद अस राइट नाउ. चलिए रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.